दोस्तों कि आप लोग जियो सिम यूजर हैं और आप लोग अपने नंबर पर जियो का 395 वाला रिचार्ज करना चाहते हैं, इसमें आपको 5G अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। जैसे आप लोग 395 रिचार्ज कराते हैं तो यहाँ अनलिमिटेड 5G मिलता है आपको। यहाँ पे पैक वैलिडिटी यहाँ पे 84 दिन की मिलती है। आप लोग जैसे यहाँ पे इसे रिचार्ज करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, आप लोग साइट विजिट कर रहे हैं, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप लोग काफ़ी सारे लोगों को वीडियो भी देख लिए हैं फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, आप लोग रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों कमेंट भी मेरे पास काफ़ी सारे आए कि यहाँ पे मैं 395 का रिचार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपको मालूम है 3 जुलाई को जब ये प्लान सभी इंक्रीज हुए तो ये ऑप्शन आपको एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिला, फिर भी आप लोग इसे रिचार्ज करना चाहते हैं, आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं लेकिन आप लोग रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप ये सभी प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करके आपको जियो लिख के कमेंट कर देना है। फिर जैसे आप लोग जियो का 395 का रिचार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर आ सकते हैं। यहाँ पर आना है और फिर यहाँ सर्च वाले पर क्लिक करना और यहाँ पर यह कैसे 1 इतना लिख के सर्च कर लेना होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। फिर जैसे आप लोग साइट का लिंक चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च वाले पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा जियो 395, फिर यहाँ पे सर्च कर लेना है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जियो 395 रिचार्ज लिंक, तो आपको यहाँ लिंक वाले पे क्लिक करना होगा और इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा शो करा सीजन एक्सपायर्ड। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपने मोबाइल नंबर को इंटर करना है, जनरेट OTP यहाँ पे क्लिक करना है, फिर नंबर पे OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर लेना होगा। फिर यहाँ पे ऐसा पेज ओपन हुआ और यहाँ पे देखें मेरा नाम शुक्रा, मेरा मोबाइल नंबर शुक्रा और यहाँ नो एक्टिव प्लान, यहाँ मेरे इसमें कोई प्लान भी एक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये भी शुक्रा, तो यहाँ हमें सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सर्विस सेटिंग्स यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टैरिफ प्रोटेक्शन, हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा सॉरी देयर आर नो प्लान फॉर योर जियो सर्विस करंटली, यहाँ पे यह रहा और यहाँ पे कोई प्लान नहीं शो कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पहले ये था कि आप लोग यहाँ पे आते थे तो आपको यहाँ पे 395 वाला प्लान मिल जाता था, तो यहाँ पे रिचार्ज वाले पे क्लिक करके आप लोग रिचार्ज कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियल साइट पे भी नहीं शो कर रहा। और जैसे आप लोग माई जियो में जाते हैं, यहाँ माई जियो यहाँ पे क्लिक करना है, माई जियो को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोग लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, फिर यहाँ पे नो एक्टिव प्लान और यहाँ पे मेरे में कोई प्लान एक्टिव नहीं यहाँ पे बता रहा, क्योंकि यहाँ पे पहले ये था कि जब आपके नंबर पे कोई एक्टिव प्लान नहीं रहेगा तभी यहाँ पे आपको 395 का रिचार्ज का ऑप्शन मिलता था, तो यहाँ पे मेरे में कोई प्लान एक्टिव नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे रिचार्ज यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे सभी प्लान वगैरह शो करेंगे और देखिए साइड में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू में ही पहले आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता था, चाहे यहाँ पे 395 का है या कोई भी प्लान रहता था यहाँ पे शो करता था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जियो की तरफ से ये 395 वाला प्लान यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पे नो एक्टिव प्लान भी है फिर भी नहीं शो कर रहा। दोस्तों मेरे में तो नहीं शो कर रहा, मैं यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन मेरे में नहीं आ रहा, आप लोग ये सब कुछ ट्राई किए हैं तो आप में ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आप में ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोग रिचार्ज कर पाएंगे, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको रिचार्ज नहीं करना है। अगर आप लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जियो का रिचार्ज करना चाहते हैं, आप लोग 5G वाला करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नया प्लान आ गया है, वो कौन सा है जो पहले था और फिर दोबारा बैक आ गया है, वो है 349 का। 349 में आपको 28 दिन की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, 2 GB डेली डाटा मिलेगा। यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, यह हीरो 5G नाम से है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल डाटा 56 GB है और यहाँ पे अनलिमिटेड 5G है और यहाँ पे अनलिमिटेड वॉइस है और 100 SMS पर डे हैं और इसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे रिचार्ज करके अनलिमिटेड 5G को यूज कर सकते हैं। और आप लोग जैसे ये सभी फॉलो किए, जो सभी ऑप्शन बताए हैं इसे फॉलो कर रहे हैं, आपको ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मेरे में ऑप्शन हट गए हैं और यहाँ पे जियो की तरफ से ये ऑप्शन को हटा दिया गया है।